ला तदउ मअ अल्लाही अहदा, एक जगह फरमाया इलाहन आखर, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को मत पुकारो। इस पे तो लोग तावील कर सकते हैं कि हम जिसको पुकारते हैं वो माबूद नहीं है। चलो ये पेचीदा अगर हो रही है तो इससे भी आसान आयत कुरान की, ला तदउ मअ अल्लाही अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। यहां तो माबूद का लफ्ज भी नहीं है। कुरान की आयत का आप हमें मतलब बता दो तो हम अपना वाला मतलब छोड़ देंगे, आपका वाला मतलब ले लेंगे। लेकिन ना तो आप इस आयत का कोई मतलब हमें बताते हो और ना फिर उस मतलब को मानते हो जो हम बयान कर रहे हैं, तो फिर इस आयत का तो ये तो लगव हो गई ना, इसका तो कोई मफहूम बना ही नहीं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मौजूद सामईन, यहाँ मौलवी तारिक मसूद साहब के बयान में आपने सुना कुरान करीम की आयत सूरह जिन आयत नंबर 18, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाही अहदा, जिसका माना इन्होंने ये बताया कि यहाँ माबूद का लफ्ज़ नहीं है बल्कि पुकारना ये शिर्क है। फिर मजीद ये कहना कि इसका माना या तो आप हमें बताए या हमसे ले ले, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आयत का माना लग्व हो जाएगा। मआदल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को लग्व कहना, क्या ये किसी मौलवी का तरीका हो सकता है? बल्कि किसी आम मुसलमान का भी ये अकीदा नहीं, इस तरह का जुमला कोई कह ही नहीं सकता। अब रही बात कि यहाँ पुकारना मुराद है या इबादत मुराद है, और ये कहना कि आप हमें बताएं या हमसे सुने, हमें तुमसे सुनने की ज़रूरत ही क्या है? जिस शख्स को ये नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला की आयतें हिकमतों से भरी होती है, उससे सुनने की ज़रूरत ही क्या है? और ना ही हमें ज़रूरत है कि हम अपना माना बताएं, इसलिए कि हमें कोई हक नहीं कि कुरान से हम अपनी राय पेश करें। और वो इसलिए कि अगर कोई शख्स अपनी तरफ से राय पेश करता है अल्लाह के कलाम में तो ये हराम है, अगरचे उसने सही बताया। खैर, तफासिर की रोशनी में अब सुनिए, इमाम बैदावी ने इस आयत करीमा की तफसीर में जहां फला तदउ मअ अल्लाही अहदा लिखा है, जहां इनका यह कहना कि यहां पुकारना मुराद है इबादत मुराद नहीं, इमाम बैदावी ने इस जगह पे इबादत का लिखा है, यानी यहां तदउ से मुराद अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। इसी तरह इमाम कुर्तुबी ने भी यही लिखा, हाफिज इब्ने कसीर ने भी यही लिखा, इमाम तबरी ने भी यही लिखा, इमाम बगवी ने भी यही लिखा, और तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी इबादत ही लिखा, और इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अद्दुर्रुल मंसूर में भी यही लिखा, इमाम नसफी ने भी तफसीर नसफी में ये लिखा, और इमाम अबू सऊद ने तफसीर अबू सऊद में ये लिखा, और मदारिस में पढ़ाई जाने वाली मशहूर तफसीर जलालैन में भी यही लिखा है कि यहाँ अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत मुराद है। अब इससे ये पता चला कि ये अपने आप को मौलवी कहने वाला हकीकत में मौलवी है नहीं, और अगर इसने मदरसे में पढ़ा है तो इसने तफासिर पर नजर डाली ही नहीं, और जो तफसीर हर मदरसे में पढ़ाई जाती है जलालैन, उस पर भी इसकी नजर नहीं पड़ी। जिस शख्स को तफासिर का इल्म ना हो और वो कुरान करीम की आयतों को पेश करके अपनी तरफ से ये बताए कि इसका माना यही है और ये भी कहे कि हमारी तरफ से माने सुन लो, तो ऐसा शख्स यकीनन लोगों को गुमराह करने वाला है, और ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की सख्त जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह नीम मुल्लाओं से हमारे मुआशरे की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम।